2019 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी की तरफ से जातियों के सम्मेलन तेज कर दिए गए हैं। अभी पिछले महीने पिछड़ों के जातिवार सम्मेलन किए गए थे, तो अब दलितों के सम्मेलन भी किए जा रहे हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति हैं, लेकिन दलितों के सम्मेलन में भी लगातार शिरकत कर रहे हैं। तमाम सारे चुनावी राज्यों में भी केशव जी की डिमांड रही। हम उनसे बात करेंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या तैयारी है। केशव जी, टीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कैसी तैयारी कर रही है? देखिए, 2019 का चुनाव, मैं यह मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 5 साल का चुनाव नहीं है, यह 50 साल का चुनाव है। 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माध्यम से किए गए बहुत ही गरीब कल्याण के, किसान कल्याण के, ग्राम विकास के जो काम इतने ज्यादा हुए हैं, उसके कारण से माननीय मोदी जी के पक्ष में जो लहर 2014 में थी, जो लहर 2017 में हम विधानसभा चुनाव में देखने को मिली, उससे भी अच्छी लहर 2019 के चुनाव के लिए भी इसलिए बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार संगठन तंत्र के माध्यम से गांव-गांव जाने का काम, जनता से संवाद करने का काम, और अभी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पदयात्रा का भी कार्यक्रम है। अभी महागठबंधन हो रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि गठबंधन के डर से बीजेपी इस प्रकार के कार्यक्रम कर रही है। देखिए, महागठबंधन का डर भारतीय जनता पार्टी को क्यों होगा? डर तो मैं कह सकता हूँ कि डर जो महागठबंधन करने के लिए प्रयासरत हैं उनको हो रहा है। मैं उनके बारे में यही कहता हूँ कि जो महागठबंधन करने वाले हैं वो बिना दूल्हे की बारात है, और किस दूल्हे के साथ कौन बाराती चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, तो डर उनको लग रहा है। संतों की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है कि कानून बनाया जाए, तो कानून बनाने के बारे में बीजेपी क्यों नहीं सोच पा रही है? नहीं, कानून बनाने का विषय बीजेपी नहीं सोच रही, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। बीजेपी सोच रही है, लेकिन जो मामला अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, दौरान मुकदमा अगर कानून बनाया जाता, मैं विधि का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन राम मंदिर निर्माण के विरोधी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा बसपा जैसे इस देश के जो भी राम मंदिर निर्माण विरोधी राजनीतिक दल हैं, सब इस प्रकार की कोशिश करेंगे कि अगर कानून बन जाए तो उसको कैसे मतलब कोर्ट के माध्यम से फिर निर्माण कार्य में बाधा डालवा दिया जाए। भाजपा ये चाहती है कि सर्वोच्च न्यायालय फैसला करे, और फैसला आने के बाद ही कानून की दिशा में आगे बढ़ना मेरे समझ से उचित होगा। बाकी साधु संतों की मांग भी जायज है, राम भक्तों की मांग भी जायज है, विश्व हिंदू परिषद की मांग भी जायज है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक जी सहित जिन जो भी बयान आए हैं वह भी उचित है। और सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, यह जरूर मैं कह सकता हूँ कि रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की पक्षधर है, और मंदिर निर्माण का जो अधूरा स्वप्न है वह साकार होगा, उसमें पूरा समर्थन करेगी। लेकिन रामलला की जन्मभूमि पर अब बाबर के नाम की मस्जिद न राहुल गांधी बनवा सकते हैं, न अखिलेश यादव बनवा सकते हैं, न मायावती जी बनवा सकती हैं, न ममता बनर्जी बनवा सकती हैं, न इस देश का कोई भी राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण विरोधी, कहूँ मैं गैंग जो है, उस गैंग का कोई नेता बनवा सकता। चुनाव से पहले राहुल गांधी भी अपनी गोत्र बता रहे, तो इसको आप कैसे देखते हो? राहुल गांधी जी जो गोत्र बताने का काम कर रहे हैं, मैं यह मानता हूं कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि हिंदू मुसलमान के बीच में भेदभाव ना करो, मतलब अगर हिंदू हो तो अपने को हिंदू बताओ, मुस्लिम हो तो अपने को मुस्लिम बताओ, लेकिन जो धोखा देने का काम किया जाता है वह नहीं होना चाहिए। आज मैं तो व्यक्तिगत तौर से यह मानता हूं कि अगर राहुल गांधी जी को अपना गोत्र बताना पड़ रहा है, जनेऊधारी बताना पड़ रहा है, बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर कैलाश मानसरोवर और सभी देश के मंदिरों में उनको मस्तक नवाना पड़ रहा है, तो यह राष्ट्रवाद की और हिंदुत्व की जीत है। और इस देश के अंदर जो भी इस प्रकार की राजनीति करने वाले हैं उनको अब ये पता चल चुका है, चाहे बंगाल में ममता जी हों, आज उनको दुर्गा पूजा पर टैक्स लगाती थी, दुर्गा पूजा के आयोजन पर प्रतिबंध लगाती थी, आज उनको शरण में जाना पड़ा कि नहीं, हम टैक्स भी नहीं लेंगे और हम मदद भी करेंगे। मुलायम सिंह जी के सुपुत्र और सपा के अध्यक्ष, जिनके सरकार के समय राम भक्तों के खून की होली एक तरह से अयोध्या में खेली गई थी, आज वो भगवान विष्णु का मंदिर बनवाने जा रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि जो सच है, सच के रास्ते पर जो नहीं चलना चाहते थे, आज उनको इस देश में जो चेतना पैदा हुई है, और इस चेतना का कारण मैं मानता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना है, और उस सरकार के माध्यम से सबका साथ सबका विकास के पथ पर चल करके जो देश
के हित में नहीं है, उसके खिलाफ फैसला लेना है तो उसको भी बड़े और कड़े फैसले लेने का भी काम किया है, और जो देश के हित में फैसला है वह भी लेने का काम किया है। आतंकवाद पर इतनी करारी चोट जितना माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हुई कि गोली का जवाब गोला से दो, उसके लिए भी हमारी सेना को छूट दी गई है। आतंकवादियों के लाशों के ढेर लोग रोज लग रहे हैं, लेकिन आतंकवाद मुक्त कश्मीर भी करेंगे, नक्सलवाद मुक्त देश भी करेंगे। आज इस दिशा में कदम बढ़ा, पूरी विश्व के अंदर जब हमारे प्रधानमंत्री जी चलते हैं तो लगता है कि संसार का सबसे शक्तिशाली नेता आज हमको प्राप्त हुआ, हमारे देश को प्राप्त हुआ। इस नेता को मैं यह मानता हूं कि यह भगवान का दिया हुआ देश को वरदान है माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में, और उनकी अगुवाई में हम आगे बढ़ रहे हैं, देश भी आगे बढ़ेगा। हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश में तो हम हैं ही बड़े, लेकिन आने वाले समय में जनता के आशीर्वाद से संपूर्ण भारतवर्ष में कमल खिलेगा। ये खुशहाली और सुशासन और विकास का प्रतीक है, और 2019 में भी कमल खिलेगा। केंद्र में तो सरकार हमारी बनेगी, हमें पूरा विश्वास है, लेकिन सारे प्रदेशों में भाजपा के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, या तो भाजपा की बनेगी या भाजपा के साथ बनेगी। धीरज त्रिपाठी, ईटीवी, लखनऊ।